नमस्कार। गर्मी का मौसम है, इस समय मार्केट में आम बहुत मिलते हैं, तरह तरह के आम मिलते हैं। तो हमने आपको जैम बनाना बताया था सेब का, तो आइए आज हम आपको आम का जैम बताते हैं, जो कि बच्चों को बहुत पसंद आता है और बड़ों को भी पसंद आता है, क्योंकि आम तो ज़्यादातर लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो चलिए फिर हम देखते हैं कि हमें क्या करना है। ये 600 या 500 ग्राम के करीब आम है, ये आम चौसा है, आप कोई भी आम ले सकती हैं। लेकिन आप एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि इसमें जो है गुदा ज़्यादा हो। तो इस आम को हम अब छील लेंगे। और आप चाहे तो इसको किसी भी एंगल में काट सकती हैं, लेकिन यहाँ हम रफली चॉप करेंगे, क्योंकि इसको हमको पीसना है। मिक्सी में इसका एक पेस्ट हम बनाएंगे। ये आम हमने काट लिया है, इसको अब हम मिक्सी के जार में डालेंगे। आइए अब इसका हम प्यूरी बना लेते हैं। इसका पल्प हमने बना लिया है, अब इसको हम डायरेक्ट कढ़ाई में डालेंगे। इसमें हमने 200 ग्राम के करीब चीनी लिया है, क्योंकि आम मीठा है, उसी क्वांटिटी में आप चीनी लीजिएगा। अब इसको हम चलाएंगे। ये बनाना बहुत आसान है, तकरीबन इसको हम इतना पकाएंगे कि ये गाढ़ा हो जाए, एकदम जैम की कंसिस्टेंसी में आ जाए। चीनी जब आप इसमें डाल दीजिएगा तो इसको कंटिन्यू चलाती रहिएगा, और इसको चलाते चलाते ये गाढ़ा हो जाएगा, एकदम पारदर्शी हो जाएगा ये। अच्छा, आप लोग एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि आप लोगों को आम से बनी हुई क्या चीज़ें पसंद है, जैसे मैंगो शेक हुआ या आम पापड़ हुआ या फ्रूटी हुई, कोई भी चीज़ आप बताइए। और मुझे सबसे पहले कमेंट में बताइए, जो जल्दी बताएगा उसके कमेंट को हम लाइक करेंगे। ये हमने एक नींबू का रस इसमें डालना है मुझे, और नींबू का रस इसलिए डाल रहे हैं हम इसमें कि जो चीनी इसमें हमने डाला है वो क्रिस्टलाइज ना हो जाए। होता अक्सर ये है कि चीनी जब ज़्यादा रहती है तो उस पर दाने पड़ने लगते हैं, तो अगर आप नींबू का रस डाल देंगी तो वो दाना नहीं पड़ेगा इसमें। दूसरा ये है कि ये नेचुरल प्रिजर्वेटिव का काम करता है। आप देख रही हैं ये हल्का हल्का गाढ़ा हो रहा है। हमने यहाँ पे फ्लेम जो है लो कर दिया है, पहले तो हम इसको हाई फ्लेम पे डाले थे, लेकिन अब हम लो कर दिए, तो 2-3 मिनट हम इसको लो फ्लेम पे पकाएंगे, उसके बाद फ्लेम को हम हाई करेंगे। इसकी पहचान हम आपको बताते हैं, दो परीक्षण हम आपको बताएंगे। ये गिर रहा है, ये जल्दी गिर रहा है, इसका मतलब अभी हमको इसको और पकाना है। ये है तरीका कि आप थोड़ा सा जैम इस प्लेट में ले लीजिए और इसको ठंडा होने दीजिए थोड़ा सा, और इसको देखिए अगर ये बहता है, अभी ये बह रहा है, ये एक जगह जम जाएगा, देखिए ये इस तरह से आ रहा है, इसको अभी हम और पकाएंगे। देखिए ये एकदम पारदर्शी हो गया है। अब आइए इसको हम फिर चेक करते हैं। इसको हम ठंडा कर लेते हैं। ये देखिए ये नहीं गिर रहा है, इसका मतलब मेरा जैम परफेक्ट पक गया है। अब इसको हम एक बाउल में निकालेंगे डायरेक्ट, थोड़ा ठंडा होने पे। आम का जैम बनके तैयार है, इसको अब हम ठंडा करते हैं। ये वीडियो मैंने बहुत मेहनत से बनाई है, अगर आप लोगों को पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा, नहीं तो डिसलाइक कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ।